लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। हर लम्हा जीने वाले डॉक्टर, हाथी के अंतिम संस्कार में इस वजह से हो रही है देरी। मुंबई टेलीविजन के फेमस शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अपने शानदार अभिनय के जरिए लोगों को हंसाने वाले डॉक्टर हाथी उर्फ कवि कुमार आजाद के निधन के बाद हर कोई उन्हें अपने तरीके से याद कर रहा है। सोमवार को 37 साल की कम उम्र में हार्ट अटैक से हुए निधन के बाद आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुंबई में हो रही तेज बारिश के चलते फिलहाल अभी उनके अंतिम संस्कार में थोड़ी देरी हो रही है। डॉक्टर हाथी के निधन के बाद बिहार से उनके माता पिता उनकी डेड बॉडी को देखकर बहुत रो रहे हैं। अपने जवान बेटे को इस तरह देख उनके आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। बता दें कि जब उनको अपने बेटे के निधन की खबर मिली तब वो एक शादी में शरीक होने गए थे। डॉक्टर हाथी के पार्थिव शरीर को देख उनके फैंस भी बहुत रोए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आजाद को करीब दोपहर 12:10 पर भारत रत्न इंदिरा गांधी हॉस्पिटल लाया गया था। उनकी धड़कनें सुनाई नहीं दे रही थी इसलिए फौरन उन्हें इमरजेंसी में ले जाया गया और उन्हें CPR देने की कोशिश की गई लेकिन बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर हाथी के निधन से टीवी इंडस्ट्री में गम का माहौल है। डॉक्टर हाथी एक जिंदा दिल इंसान थे और उन्हें खाने का बहुत शौक था। सोशल मीडिया पर एक बार उन्होंने अपनी फोटो शेयर करते हुए लिखा था कि किसी ने कहा है कल हो ना हो मैं कहता हूँ पल हो ना हो हर लम्हा जियो। उनके इस ट्वीट से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो हर पल को जीना चाहते थे। आजाद ने 2000 में फिल्म मेला में भी काम किया है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर हाथी के निधन की खबर के बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा की शूटिंग रोक दी गई है। बता दें कि डॉक्टर हाथी के अंतिम संस्कार में तारक मेहता शो की पूरी टीम मौजूद रहेगी। खबरों के अनुसार डॉक्टर हाथी का अंतिम संस्कार 11:30 बजे होना था लेकिन बारिश के चलते इसमें अभी देरी हो रही है।